हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय चौधरी स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरजी करियर पॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में। और हम डिस्कशन कर रहे थे एलिमिनेशन के बारे में। जो फर्स्ट हमने डिस्कशन कर लिया था यूरिनरी एलिमिनेशन, और आज का हमारा टॉपिक है बॉवल एलिमिनेशन। हम यूरिनरी एलिमिनेशन में कैथेटराइजेशन के बारे में पढ़ा था, और जो यूरिन से रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, जो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, रिटेंशन होगी, यूरिन के दौरान पास आउट के दौरान पेन हो रहा था, डिस्यूरिया हो गई, पॉली यूरिया हो गया, ओलिगो यूरिया हो गया, यूरिनरी अर्जेंसी हो गया, इनके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन कर लिया था। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन में एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। उनके जो भी कैथेटर का साइज होता है उससे रिलेटेड हो गए, जो कैथेटर के टाइप थे, सिंगल ल्यूमन कैथेटर हो गया, डबल ल्यूमन कैथेटर हो गया, जिसको फॉलेस कैथेटर बोल रहे थे, जिसको मोस्ट कॉमन हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो यूज करते हैं हॉस्पिटल में आजकल, वो फॉलेस कैथेटर था। फिर ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर हो गया, कॉन्डोम कैथेटर हो गया, उनके बारे में हम डिस्कस किया था डिटेल से। और जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, वो कैथेटर से जो कैथेटराइजेशन के दौरान जो पोजिशन होती है उसके बारे में पूछते हैं। जैसे फीमेल को कैथेटराइजेशन के दौरान कौन सा पोजिशन देते हैं, हमने बताया था कि डोर्सल रिकमेंड पोजिशन देते हैं, सुपाइन पोजिशन देके उसके नी को थोड़ा फ्लेक्स कर देते हैं, और मेल के अंदर देते हैं उसको सुपाइन विथ थाइज अबडक्टेड पोजिशन, यानी कि सुपाइन पोजिशन देके थाइज को थोड़ा अबडक्ट कर देंगे। ये पोजिशन से रिलेटेड काफी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। ये कैथेटर को जो फिक्स करने का साइट होता है अपर थाई वाले रीजन में, वो भी बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था बॉवल एलिमिनेशन, तो बॉवल एलिमिनेशन के बारे में हम एनेमा के बारे में पढ़ेंगे। एनेमा क्या है? जो हमारे बॉवल है यानी कि इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करने का प्रोसीजर है एनेमा। एनेमा के थ्रू हम बॉवल या लोअर इंटेस्टाइनल एरियाज को क्लीन करते हैं, उसके लिए हम एनेमा काम में लेते हैं। जो प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक करवाया था मैंने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उससे रिलेटेड पांच टॉपिक है वो रह गए थे, उनके बारे में थोड़ा लिख लो। एनेमा पढ़ने से पहले जो यूरिन से रिलेटेड एक टॉपिक था यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसके पांच टाइप थे, उनके बारे में थोड़ा पहले शॉर्टली या ब्रीफली उनको स्टडी कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं वहां से। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मैंने क्या बताया था, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मींस होता है इनवॉल्यूंट्री पासेज ऑफ यूरिन या ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन बोलते हैं, इनवॉल्यूंट्री पासेज ऑफ यूरिन। यूरिन का इनवॉल्यूंट्री रूप से या ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं इनवॉल्यूंट्री पासेज ऑफ यूरिन को बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्वेश्चन आता है इनके टाइप से, यानी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में पांच अलग अलग टाइप होते हैं। टोटल इनकॉन्टिनेंस हो गया, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो गया, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस हो गया, फिर नेक्स्ट वन हो गया रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस हो गया, अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो गया। जो प्रीवियस जिपमेर का एग्जाम था उसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ऐसा था कि एक फीमेल लेडी है जो कफिंग के दौरान या स्नीजिंग के दौरान उसमें ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम को, कौन से इनकॉन्टिनेंस को इंडिकेट कर रही थी, तो उसका करेक्ट आंसर था स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इनकॉन्टिनेंस आता है, फर्स्ट टाइप इनकॉन्टिनेंस का टोटल इनकॉन्टिनेंस। तो टोटल इनकॉन्टिनेंस का मीन्स क्या आता है, कंटिन्यूअस continuous passage of urine, जो continuous यानी लगातार रूप से, continuous involuntary रूप से जो urine pass out हो रहा है उस चीज को क्या बोलते हैं हम, टोटल इनकॉन्टिनेंस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का टाइप है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो इनकॉन्टिनेंस में जो फर्स्ट टॉपिक था टोटल इनकॉन्टिनेंस, कंटिन्यूस रूप से यूरिन का पास आउट होगा रेगुलर रूप से, इनवॉल्यूंट्री रूप से, वो तो गया टोटल इनकॉन्टिनेंस। सेकेंड जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो था स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का क्या था, इनवॉल्यूंट्री
passage of urine due to increase intra abdominal pressure. जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मींस क्या है, इनवॉल्यूंटरी पासेज ऑफ यूरिन ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. जो एब्डोमिनल कैविटी है उनका अचानक रूप से प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है. अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कौन सी प्रॉब्लम में हो सकता है, जैसे इसके एग्जाम्पल कफिंग हो गया, कफिंग के दौरान, स्नीजिंग के दौरान, कफिंग, स्नीजिंग और वेट लिफ्टिंग, इनके दौरान जो जंपिंग के दौरान जो बेसिक एक्टिविटीज होती है जिनके वजह से एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उनकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से यूरिन का पास आउट होगा. अब क्वेश्चन ये पूछा था कि कफिंग के दौरान या स्नीजिंग के दौरान एक लेडी में ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है तो वो कौन से टाइप के इनकॉन्टिनेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो वो था स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है इसका डायग्नोसिस से रिलेटेड, तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कॉन्टिनेंस कॉन्टिनेंस डिटेक्टेड बाई, यानी कि इन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है उसको हम किससे डिटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बोनी टेस्ट. बोनी टेस्ट होता है उसके थ्रू हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को डिटेक्ट करते हैं, ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को. थर्ड टाइप था हमारा फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस का मींस क्या है, इनवॉल्यूंटरी पासेज ऑफ द यूरिन बिफोर रीच टू द टॉयलेट. टॉयलेट में पहुंचने से पहले, यानी कि स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी आई यूरिन पास आउट करने की, लेकिन जब टॉयलेट में वो पहुंचने वाला था उससे पहले ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन स्टार्ट हो जाता है पेशेंट में, उसको बोलते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस. यानी कि पेशेंट का जो स्पिंक्टर होता है उस पर कंट्रोल नहीं होता, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस. तो देखते हैं इनवॉल्यूंटरी पासेज ऑफ यूरिन बिफोर रिच टू टॉयलेट, यानी पेशेंट टॉयलेट में पहुंचने से पहले, यानी कि टॉयलेट में जाने से पहले या पहुंचने से पहले ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन यानी कि इनवॉलेंट्री यूरिन पास आउट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं. थर्ड टाइप हो गया. फोर्थ होता है रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस. क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस. जो रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस का मींस क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी पासेज ऑफ यूरिन ड्यू टू एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम. इनवॉल्यूंटरी पासेज ऑफ यूरिन ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम. कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके कारण, उसके स्पिंक्टर से रिलेटेड जो नर्व सप्लाई है उनसे रिलेटेड या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन देखने को बोलता है, मिलता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस. ये फोर्थ टाइप था. इसका लास्ट टाइप है फिफ्थ नंबर का, उसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस. क्या बोलते हैं, अर्ज इनकॉन्टिनेंस. इसका मीन्स होता है इनवॉल्यूंटरी पासेज ऑफ यूरिन आफ्टर स्ट्रॉन्ग अर्ज ऑफ यूरिनेट, यानी यूरिन पास आउट करने की स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी स्टार्ट होगी, उसके बाद में पेशेंट में इनवॉल्यूंटरी रूप से यूरिन पास आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस. और एक पढ़ा था हमने रिफ्लेक्स फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस. तो फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस में क्या था, यानी कि वो टॉयलेट से पहुंचने से पहले, यानी टॉयलेट में जाने से पहले ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस. तो ये इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड
पांच टाइप देख इसके बेसिक और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। जैसे हिमेचूरिया, हिमेचूरिया में क्या होता है, यूरिन प्लस ब्लड। यदि यूरिन के थ्रू ब्लड आउट ब्लड पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया। नेक्स्ट है पाइयूरिया, पाइयूरिया में क्या होता है, यूरिन प्लस पस। यदि यूरिन के साथ पस आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजी को, पाइयूरिया। और ब्लड आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया। नेक्स्ट आते हैं ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया किसे बोलते हैं, यूरिन प्लस ग्लूकोज। यदि यूरिन के साथ साथ शुगर आना स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। पाइयूरिया में पस आना स्टार्ट हो जाता है, हिमेचूरिया में हिमे ब्लड से रिलेटेड है तो यूरिन के थ्रू ब्लड यूरिन के साथ साथ ब्लड पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं हिमेचूरिया। तो ये इनकॉन्टिनेंस से रिलेटेड डिस्कशन था, जो प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक छूट गया था यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड। इसके पांच टाइप है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं इनसे, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है कि ये किस टाइप का इनकॉन्टिनेंस है, ये किस टाइप का इनकॉन्टिनेंस है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, इसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस किसे बोलते हैं। तो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो तो जो भी क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट पता चल जाएगा, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो स्टार्ट करते हैं, एनिमा। एनिमा में क्या था, बाउल को क्लीन करने के लिए, लोअर इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए एक प्रोसीजर काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं एनिमा। एनिमा से एक फिक्स चीजें हैं, जैसे एनिमा में जिसके उसके कैथेटर की साइज, एनिमा की साइज से रिलेटेड, उसके कैन की हाइट से रिलेटेड, उसके फ्लूड के अमाउंट से रिलेटेड, तो वहां से कुछ टॉपिक्स फिक्स है, वहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एनिमा के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। फर्स्ट है एनिमा, एनिमा का डेफिनेशन देखते हैं, एनिमा का मीन्स होता क्या है, इस प्रोसीजर में एक्चुअली करते क्या है, ए प्रोसेस वेयर फ्लूड इंट्रोड्यूस इन टू दी लोअर बोवल थ्रू रेक्टम, यानी कि रेक्टम के थ्रू लोअर बाउल में फ्लूड का एडमिनिस्ट्रेशन करना, बाउल को क्लीन करने के लिए, उसको बोलते हैं एनिमा। एनिमा की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, जैसे भी कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है उसको उस कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ के लिए कोई भी सर्जरी होनी है, तो सर्जरी से पहले यदि प्रेस्क्रिप्शन है कि बाउल को क्लीन करना है तो उसके लिए एनिमा काम लेते हैं, यानी जो लोअर इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, इंटेस्टाइन होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसको क्लीन करने के लिए हम एनिमा काम में लेते हैं। तो एनिमा की जो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इसके अलग अलग टाइप होते हैं, इसमें कितना फ्लूड लेते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो एनिमा के टाइप की बात करें तो एनिमा से रिलेटेड दो टाइप पढ़ते हैं हम, एक तो पढ़ते हैं इवैक्यूएट एनिमा, एक पढ़ते हैं रिटेंट एनिमा। इन दोनों को हम कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे दोनों में, तो ये अच्छे से याद होगा। फर्स्ट है इवैक्यूएटेड एनिमा, फर्स्ट आता है इवैक्यूएटेड एनिमा, सेकंड आता है रिटेंट एनिमा। ये शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, रिटेंट का मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, रिटेंट का मीन्स लॉन्ग टाइम तक रखते हैं इसको फ्लूड को लोअर बाउल में, तो इसको बोलते हैं रिटेंट एनिमा। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, अमाउंट ऑफ फ्लूड। जो इवैक्यूएट एनिमा होता है, अमाउंट ऑफ फ्लूड इवैक्यूएट एनिमा होता है, उसमें फ्लूड कितना लेते हैं, वो अडल्ट हो चाइल्ड हो इन्फेंट हो उनके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम अलग अलग होता है। फर्स्ट है अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट, तीनों के लिए जो फ्लूड की वॉल्यूम होती है वो डिफरेंट डिफरेंट है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि चाइल्ड के लिए इवैक्यूएट एनिमा में फ्लूड का अमाउंट कितना होगा, तो वो डिफरेंट होगा। जैसे हम इन्फेंट की बात करते हैं तो लेस देन 250 ml फ्लूड का वॉल्यूम रहेगा, यदि चाइल्ड की बात करते हैं तो 250 टू 500 ml, और यदि अडल्ट की बात करते हैं तो 500 टू 1000 ml फ्लूड का वॉल्यूम हो गया जो इवैक्यूएट एनिमा के अंदर काम में लेते हैं। अडल्ट के लिए 500 से 1000 ml,
चाइल्ड के लिए 250 से 500 ml और इन्फेंट के लिए 250 ml, लेस देन 250 ml. ये होता है इवैक्यूएट एनिमा में. और यही फ्लूइड की रिक्वायरमेंट रिटेंट एनिमा में कितनी होती है, यहां से भी क्वेश्चन आता है. अडल्ट की बात करें, अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट. यदि इन्फेंट की बात करते हैं तो रिटेंट एनिमा में फ्लूइड का अमाउंट रखते हैं लेस देन 50 ml. और चाइल्ड की बात करें तो 100 टू 150 ml. ये फ्लूइड का वो, सॉरी, फिफ्टी टू 100 ml. और जो अडल्ट होता है उसमें रिटेंड एनिमा में फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है, उसका होता है 100 से 150 ml होता है. तो ये फ्लूइड का अमाउंट अगर यहां से क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलर, जैसे एनिमा का नाम देगा और एज ग्रुप देगा, अडल्ट है, चाइल्ड है या इन्फेंट है, पर्टिकुलर एज ग्रुप देखे और एनिमा का नाम देखे, दोनों चीजें देखे, दोनों कंडीशन देखे, आपको फ्लूइड का वॉल्यूम पूछेगा कि रिटेंड एनिमा में अडल्ट के अंदर फ्लूइड कितना एडमिनिस्टर करते हैं, तो कितना होगा 100 से 150 ml. 100 से 200 ml नहीं, अडल्ट के अंदर रिटेंड एनिमा की जो वॉल्यूम रहेगी वो 100 to 150, ये रेंज के अंदर होती है. जो जितनी भी वैल्यूज होती है वो आप स्टैंडर्ड बुक से रेफर किया करो, वो हमेशा रेंज में उनको याद रखा करो, क्योंकि कोई भी वैल्यूज फिक्स नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है अकॉर्डिंग टू जैसे हम किस पेशेंट में दे रहे हैं, उसके पेशेंट होता है, उसके बॉडी प्रोपोर्शन रहते हो, उसके हाइट, लेंथ, वेट, उन पे भी डिपेंड करती है ये चीजें. तो जो भी आप वैल्यूज पढ़ते हो, वैल्यूज याद रखते हो, उनको स्टैंडर्ड बुक से रेफर किया करो. तो अडल्ट होता है उसमें 100 to 150, चाइल्ड में 50 to 100 और इन्फेंट में लेस देन 50 इसका वॉल्यूम रहता है रिटेंड एनिमा में. तो ये अमाउंट से रिलेटेड डिस्कशन हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसको कितने टेम्परेचर पर हमें एडमिनिस्टर करना है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना होगा. तो ये सेकंड हो गया. तो अडल्ट की बात करें, ये इधर इवैक्यूएट एनिमा पढ़ रहे थे, इवैक्यूएटेड एनिमा, इन दोनों को हम कंपेयर करते हुए चलेंगे. रिटेंड एनिमा, तो टेम्परेचर की बात आती है तो अडल्ट में टेम्परेचर रखेंगे फ्लूइड का 105 टू 110 डिग्री फारेनहाइट. इसको जो भी है टेम्परेचर उसको फारेनहाइट में रखेंगे. और इन्फेंट और यदि चाइल्ड आता है तो उसके लिए जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो रखेंगे 100 डिग्री फारेनहाइट. टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. ये तो हो गया इवैक्यूएटेड एनिमा में. अब क्वेश्चन रिटेंड एनिमा का पूछता है कि रिटेंड एनिमा में फ्लूइड कितने टेम्परेचर पर एडमिनिस्टर करते हैं. जो फ्लूइड का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा बॉडी टेम्परेचर पर. जो बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल 98.6 डिग्री फारेनहाइट, इस टेम्परेचर पर हम रिटेंड एनिमा के जो फ्लूइड है उसको एडमिनिस्टर करेंगे. उसको एडमिनिस्टर करने के लिए जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर रखेंगे. नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सी पॉइंट लगाओ अपना, साइज ऑफ एनिमा ट्यूब. जो एनिमा ट्यूब है उसका साइज कितना होता है, साइज के बारे में डिस्कस करते हैं. तो साइज अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होगी. फर्स्ट वन अडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट. इधर इवैक्यूएट पढ़ रहे थे हम, इधर रिटेंड पढ़ रहे थे. तो जो साइज ऑफ एनिमा है, एनिमा ट्यूब है, उसका साइज कितना होगा, अडल्ट के अंदर होगा 22 टू 30 फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू फ्रेंड्स के अंदर होगी. और चाइल्ड की बात करें तो वो आती है 14 टू 18 फ्रेंड्स. और इन्फेंट की बात करते हैं तो 12 फ्रेंड्स. जो एनिमा ट्यूब होती है उसकी जो ट्यूब होती है उसकी साइज की बात करें अडल्ट में तो 22 से 30 फ्रेंड्स, चाइल्ड में 14 से 18 फ्रेंड्स और इन्फेंट में 12 फ्रेंड्स. सेम जो इवैक्यूएट एनिमा में जितनी इनकी साइज होती है वो सेम होती है रिटेंड एनिमा में. तो अडल्ट फर्स्ट वन, फिर चाइल्ड हो गया, फिर इन्फेंट हो गया.
तो इनमें सेम रहेगी, 22 से 30 फ्रेंड्स, 14 से 18 फ्रेंड्स और इसमें 12 फ्रेंड्स इनफ्रेंड में। तो क्वेश्चन ये आता है जो साइज बात करें तो उसकी लेंथ की बात करें या उसके डायमीटर की बात करें, जब भी फ्रेंड्स वर्ड आता है तो उसका मीन्स क्या होता है, उसके डायमीटर। फ्रेंड्स किससे रिलेटेड है, डायमीटर से, जो ट्यूब है उसके डायमीटर से रिलेटेड है फ्रेंड्स वर्ड। तो एक फ्रेंड्स के अंदर कितना होता है, एक फ्रेंड्स इज इक्वल टू होता है 0.33 mm, 0.33 होता है। और यदि ये इसकी वैल्यू है नॉर्मल फ्रेंड्स के अंदर, फ्रेंड्स वर्ड इंडिकेट करता है किसको, उसके डायमीटर को। तो फ्रेंड्स से हमें उस ट्यूब के डायमीटर को याद रखना है। तो ये इसके ट्यूब के साइज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होता है हाइट ऑफ एनिमा कैन। जो एनिमा कैन होता है उसका हाइट कितना होता है, हाँ 0.33 है, एक फ्रेंड्स इज इक्वल टू। नेक्स्ट है डिफाइंड हाइट ऑफ एनिमा कैन, जो एनिमा कैन रखते हैं उसका हाइट कितना रखेंगे, तो उसका हाइट रखेंगे इवैक्यूएट एनिमा में 18 इंच रखेंगे, या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यही वैल्यू कन्वर्ट होके कितनी आएगी, 45 सेंटीमीटर। इवैक्यूएट एनिमा में जो एनिमा कैन होता है उसकी हाइट की बात कर रहे हैं, उसकी हाइट इंच के अंदर 18 इंच होती है और सेंटीमीटर में होती है 45 सेंटीमीटर। और यदि हम रिटेंड एनिमा की बात करते हैं तो इंच के अंदर हाइट होगी उसकी 8 इंच, और सेंटीमीटर में बात करें तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, इसका होगा 20 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू याद रखना, 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। जैसे ये 8 इंच है, 8 का डबल कितना होगा 16, यानी 8 को 2.5 से इंटू करेंगे तो 20 आएगा, और 18 को 2.5 से इंटू करेंगे तो 45 सेंटीमीटर आएगा। ये इसके हाइट से रिलेटेड डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट है इसकी पोजीशन, यानी कि एनिमा के दौरान हम पोजीशन कौन सा देते हैं। तो फर्स्ट देते हैं हम सिम्स पोजीशन, कौन सा देते हैं, सिम्स पोजीशन। जो एनिमा होता है, एनिमा इंट्रोड्यूस करते हैं हम, जो सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं उस दौरान पोजीशन की बात करें तो सिम्स पोजीशन देते हैं, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी सिम्स पोजीशन, और सेकंड प्रायोरिटी रहेगी हमारी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो सेकंड प्रायोरिटी होगी वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन होगी, और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सिम्स पोजीशन होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिम्स पोजीशन होता क्या है। सिम्स पोजीशन होता है प्रोन एंड लेटरल पोजीशन के जो बीच का पोजीशन होता है उसको बोलते हैं सिम्स पोजीशन। और लेफ्ट लेटरल, जो लेटरल पोजीशन है उसके लेफ्ट साइड कौन सा हो गया, लेफ्ट लेटरल। क्वेश्चन में दोनों आए, सेकंड प्रायोरिटी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, हाँ जी, यदि क्वेश्चन में दोनों आए सिम्स पोजीशन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन, और आपको क्वेश्चन पूछे कि इन दोनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन एनिमा के दौरान फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, और लेफ्ट लेटरल पोजीशन होगा वो इसके सेकंड प्रायोरिटी होगी पोजीशन से रिलेटेड। इसका नेक्स्ट टॉपिक है एनिमा से रिलेटेड, इसकी पोजीशन की बात कर लिए, इंसर्शन ऑफ ट्यूब, इंसर्शन ऑफ एनिमा ट्यूब। जो एनिमा ट्यूब है हम उसको कितना एडमिनिस्टर करते हैं, कितना इंसर्ट करते हैं, तो उसका साइज क्या रहेगा, उसका अडल्ट के लिए अलग रहेगा और चाइल्ड के लिए अलग रहेगा, चाइल्ड या इन्फेंट उसके लिए अलग रहेगा। ये इवैक्यूएट एनिमा हो गया, इधर हमारा रिटेंड एनिमा हो गया। तो इंसर्शन की बात करें हम ट्यूब को कितना इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए अडल्ट की बात करते हैं हम, अडल्ट में एनिमा को, एनिमा ट्यूब को कितना इंसर्ट करते हैं, तो अडल्ट की बात आती है उसमें इंसर्ट करते हैं 3 to 4 इंच। ये वैल्यू मैंने इंच में लिखी है, यदि क्वेश्चन में इंच देखे ना आए और सेंटीमीटर में वैल्यू आती है तो मैंने बताया था 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.5 सेंटीमीटर, तो उसे इंटू करके देख लेना इस वैल्यूज को, तो आपके पास में सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी
ट्यूब को कितना इंसर्ट करते हैं, तो इसको 2.5 से इंटू करते हैं तो 7.5 टू 10 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यूज हो गई। ट्यूब को इतना इंसर्ट करते हैं अडल्ट के अंदर, यदि चाइल्ड और इन्फेंट की बात आती है तो ट्यूब को इंसर्ट करते हैं 1 to 1.5 इंच। ये भी चीज मैंने इंच में लिखा है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देख लो, 2.5 to 3.75 सेंटीमीटर, ये वैल्यू सेंटीमीटर में है। यानी क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज आ सकती है आपके पास में, इंच में भी मिल सकता है और सेंटीमीटर में भी वैल्यूज मिल सकती है। इंच में आता है तो आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और सेंटीमीटर में आता है तो इंच में कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे ऑप्शन को। तो वैल्यूज पता होनी चाहिए, ये चाइल्ड और इन्फेंट के लिए है 1 to 1.5 इंच या 2.5 से 3.75 सेंटीमीटर, और एडल्ट की बात करें 3 to 4 इंच या 5 to 7.5 to 10 सेंटीमीटर। यही वैल्यूज रिटेंड एनिमा के अंदर होगी। रिटेंड एनिमा के अंदर भी हम जो एनिमा ट्यूब है उसको इतना ही इंसर्ट करते हैं, कितना 3 to 4 इंच अडल्ट के अंदर, और चाइल्ड या इन्फेंट के अंदर, चाइल्ड या इन्फेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं इसको 1 to 1.5 इंच। ये ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, इसकी वैल्यूज होगी नॉर्मल। अब इससे रिलेटेड हम दो बेसिक चीजें देख लेते हैं। जैसे इंसर्शन की बात आ रही है, हम एनिमा ट्यूब के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि एनिमा ट्यूब को हम कितना इंसर्ट करते हैं। तो अब इस इंसर्शन से रिलेटेड जो रेक्टल थर्मामीटर होता है, जो रेक्टल थर्मामीटर है उसको टेम्परेचर लेते समय उसको कितना इंसर्ट करते हैं, अडल्ट में कितना करते हैं, चाइल्ड में कितना करते हैं और इन्फेंट में कितना करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि हम रेक्टल थर्मामीटर को टेम्परेचर लेने के दौरान कितना इंसर्ट करते हैं। ये इससे इंसर्शन से रिलेटेड टॉपिक है। तो अडल्ट की बात आती है तो अडल्ट में हम थर्मामीटर को इंसर्ट करते हैं 1.5 इंच। सेकेंड चाइल्ड, चाइल्ड की बात आती है तो 1 इंच, और यदि इन्फेंट की बात आती है तो लेस देन 1 इंच। जो थर्मामीटर होता है रेक्टल थर्मामीटर उसको इंसर्शन का जो कितना इंसर्ट करते हैं उसको टेम्परेचर लेने के दौरान, जब अडल्ट होगा हमारा पेशेंट तो उसमें 1.5 इंच इंसर्ट करेंगे, और यहाँ हमारा यदि चाइल्ड होगा पेशेंट तो उसको कितना इंसर्ट करेंगे 1 इंच, यदि इन्फेंट होगा तो लेस देन 1 इंच इंसर्ट करेंगे। इसके टेम्परेचर लेने के दौरान जो रेक्टल थर्मामीटर है उसकी जो बेसिक वैल्यूज है वो है। यदि आपके पास एक क्वेश्चन एग्जाम ऐसा भी आता है इंसर्शन से रिलेटेड, जो फ्लैटर ट्यूब होती है, कौन सी फ्लैटर ट्यूब का काम क्या है, जो हमारे गैसेस डिस्टेंशन है, जो गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको रिलीफ के लिए हम फ्लैटर ट्यूब यूज करते हैं टू रिड्यूस द गैसेस डिस्टेंशन। गैसेस डिस्टेंशन या गैस की जो प्रॉब्लम है उसे रिलीफ के लिए हम फ्लैटर ट्यूब इंसर्ट करते हैं। तो फ्लैटर ट्यूब को हम कितना इंसर्ट करते हैं रेक्टम के थ्रू, तो उसका है 4 to 6 इंच। उसकी वैल्यूज क्या है, फ्लैटर ट्यूब को हम 4 से 6 इंच इंसर्ट करते हैं रेक्टम के थ्रू, जो भी हमारा गैसेस डिस्टेंशन की प्रॉब्लम है उससे रिलीफ के लिए। और यदि इसका ड्यूरेशन कितना होता है, हम फ्लैटर ट्यूब को कितनी देर तक हम इंसर्ट करके रख सकते हैं, तो वो टाइमिंग होता है लेस देन 20 मिनट। यानी 20 मिनट से ज्यादा हमारे को फ्लैटर ट्यूब को इंसर्ट करके नहीं रखना है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो रेक्टल स्पिंक्टर होते हैं वो लूज हो जाएंगे, उस चीज से बचने के लिए उनके जो प्रॉब्लम है जो स्पिंक्टर से रिलेटेड वो लूज हो जाए, उनकी जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है, नॉर्मल जो रिलैक्सेशन की एबिलिटी है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उस चीज के लिए, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें 20 मिनट से कम तक फ्लैटर ट्यूब को इंसर्ट करके रखना है। और इसका इंसर्शन का जो कितना रहेगा वो रहेगा 4 to 6 इंच, इसको इंसर्ट करके रखेंगे। और जो भी हमारे जो एब्डोमेन से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है उससे प्रिवेंट करने के लिए फ्लैटर ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। ये बेसिक चीजें हो गई एनिमा के बारे में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनिमा। जो इवैक्यूएट एनिमा है उसको सेपरेट पढ़ेंगे, और जो रिटेंड एनिमा है उसको सेपरेट पढ़ेंगे।
जो एनिमा का क्लासिफिकेशन है वो उनके पर्पस के आधार पर डिवाइड किया गया है कि कौन से एनिमा को हम कौन से पर्पस के लिए काम में ले रहे, उस आधार पर एनिमा को क्लासिफाइड किया गया है। यदि इवैक्यूएटेड एनिमा की बात आती है तो उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जो रिटेंड एनिमा की बात आती है उसको पांच भागों में डिवाइड किया गया है। रिटेंड एनिमा, सेकेंड है रिटेंड एनिमा। इनमें एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है जो इनके टाइप है उनका मीन्स क्या है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो इवैक्यूएट एनिमा में, जो इवैक्यूएट एनिमा होता है उसके अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे हम सिंपल इवैक्यूएटेड एनिमा, सेकेंड है इसमें मेडिकेटेड, मेडिकेटेड इवैक्यूएटेड एनिमा, क्लास एंड होगा तो आपके जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सभी का सॉल्यूशन होगा। सेकेंड टाइप था मेडिकेटेड इवैक्यूएट एनिमा, इसके भी टाइप है, और थर्ड था कोल्ड एनिमा, थर्ड है कोल्ड एनिमा। अब है रिटेंड एनिमा में फर्स्ट था एनेस्थेटिक एनिमा, फर्स्ट वन एनेस्थेटिक एनिमा, सेकंड है न्यूट्रिएंट एनिमा, थर्ड है स्टिमुलेंट एनिमा, फोर्थ है सेडेटिव एनिमा, और हमारा लास्ट वन है इमोलिएंट एनिमा। ये रिटेंड एनिमा के टाइप हो गए। रिटेंड एनिमा में टाइप क्या है, फर्स्ट वन एनेस्थेटिक एनिमा, सेकंड था न्यूट्रिएंट एनिमा, थर्ड वन स्टिमुलेंट, फोर्थ वन सेडेटिव एनिमा, और लास्ट वन है इमोलिएंट एनिमा। इनको डिटेल स्टडी करेंगे। और जो मेडिकेटेड इवैक्यूएट एनिमा है इसके भी टाइप है, उसके एस्ट्रोजेंट एनिमा, पर्गेटिव एनिमा, ऑयल एनिमा। जो मेडिकेटेड आगे लिख लेना आप अपनी नोटबुक है उसमें, मेडिकेटेड इवैक्यूएटेड एनिमा, जो मेडिकेटेड इवैक्यूएट एनिमा है, जो इवैक्यूएट एनिमा में हम सेकंड टाइप पढ़ रहे थे इसके भी टाइप है, उसमें फर्स्ट वन है एस्ट्रिंजेंट एनिमा, एस्ट्रिंजेंट एनिमा, इसमें सेकंड आता है पर्गेटिव एनिमा, सेकंड क्या था पर्गेटिव एनिमा, इसमें थर्ड आता है ऑयल एनिमा, इसमें फोर्थ आता है एंटी हेलमेंटिक, एंटी हेलमेंटिक एनिमा, और इसमें लास्ट आता है कार्बिनेटिव, कार्मी नेटिव एनिमा। तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इनसे टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनको डिटेल वाइज स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट है इवैक्यूएटेड एनिमा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इवैक्यूएटेड एनिमा। इवैक्यूएटेड एनिमा से रिलेटेड जो बेसिक चीजें थी वो हमने स्टडी कर ली। अब इसके टाइप से रिलेटेड, इसमें फर्स्ट वन हमने क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था सिंपल इवैक्यूएटेड एनिमा, सॉरी, जो सिंपल इवैक्यूएटेड एनिमा होता है उसके यूज क्या है, हम सिंपल इवैक्यूएटेड एनिमा काम में क्यों लेते हैं, तो उसका कारण क्या था, यूज टू क्लीन बॉवल बिफोर सर्जरी।
कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होना है उससे पहले हमें बाउल को क्लीन करना है, तो उसके लिए हम सिंपल इवैक्यूएटेड एनिमा काम में लेते हैं, या फिर टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए या फिर बाउल को क्लीन करने के लिए हम सिंपल इवैक्यूएटेड एनिमा काम में लेते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि सिंपल इवैक्यूएटेड एनिमा का यूज क्या है, तो बाउल को क्लीन करने के लिए सिंपल इवैक्यूएटेड एनिमा काम में लेते हैं। तो इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड, इसमें सॉल्यूशन कौन सा लेते हैं, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। इनके जो नाम है वो नाम देखे इनके बेसिक यूज पहुंचता है कि इसको कौन से कंडीशन में हम सिंपल इवैक्यूएटेड एनिमा काम में लेंगे या फिर मेडिकेटेड एनिमा काम में लेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, इसमें सॉल्यूशन होगा 5 mg सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस 500 ml H2O। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट करके तैयार करके 5 ml सोडियम क्लोराइड मिला के 500 ml वाटर के अंदर, और एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन तैयार करेंगे और बाउल को नॉर्मली क्लीन करने के लिए काम में लेंगे। हाँ, बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले बाउल को क्लीन करने के लिए या कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए सिंपल इवैक्यूएटेड एनिमा काम में लेते हैं। सेकेंड है मेडिकेटेड इवैक्यूएटेड एनिमा, यानी किसी मेडिकल पर्पज के लिए हम इस एनिमा को काम में लेंगे। तो उसमें फर्स्ट आएगा एस्ट्रिंजेंट एनिमा। जो एस्ट्रिंजेंट एनिमा है वो सेकेंड टाइप है मेडिकेटेड इवैक्यूएट एनिमा में। फर्स्ट जो टाइप है वो एस्ट्रिंजेंट एनिमा है। जो एस्ट्रिंजेंट एनिमा है उसके अंदर क्या करते हैं, क्यों यूज में लेते हैं, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या काम में लेते हैं, एस्ट्रिंजेंट एनिमा काम में लेते हैं। और सेकंड इसका यूज हो सकता है टू चेक या फिर कंट्रोल ब्लीडिंग, इस पर्पज के लिए भी हम इसको काम में ले सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था इनके सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सॉल्यूशन के बारे में बहुत ही रेयर क्वेश्चन पहुंचता है, क्वेश्चन इतना ही पहुंचता है। जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा एस्ट्रिंजेंट एनिमा का यूज क्या है, एस्ट्रिंजेंट एनिमा का यूज क्या है, तो वो होगा टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए एस्ट्रिंजेंट एनिमा काम में लेते हैं। क्वेश्चन यही क्वेश्चन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन से बहुत रेयर क्वेश्चन आता है। तो आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं, उन्हीं टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इनके जो बेसिक मीन्स है एनिमास के, कौन कौन सी कंडीशन में काम में लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके सॉल्यूशन से ज़्यादा। सॉल्यूशन की बात करें हम एस्ट्रिंजेंट एनिमा में, तो उसमें काम में क्या लेंगे, टैनिक एसिड प्लस 600 ml H2O। टैनिक एसिड कितना लेंगे, 2 ग्राम। टैनिक एसिड लेंगे, उसको 600 ml वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, और किसके लिए लेंगे, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए, एस्ट्रिंजेंट एनिमा में काम लेंगे, या फिर 2% सिल्वर नाइट्रेट काम में लेंगे, ये काम में लेते हैं हम एस्ट्रिंजेंट एनिमा के अंदर। अब सेकंड टाइप आता है सिंपल इवैक्यूएटेड मेडिकेटेड इवैक्यूएटेड एनिमा का, सेकंड टाइप आता है प्रोगेटिव एनिमा। यहां से क्वेश्चन काफी आते हैं, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। प्रोगेटिव एनिमा का मींस क्या होता है, प्रोगेटिव एनिमा का मींस होता है टू इंड्यूस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो इंटेस्टाइन के नॉर्मल मूवमेंट होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए हम एनिमा काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रोगेटिव एनिमा। तो प्रोगेटिव एनिमा का जो भी यूज होता है, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं उनको इंक्रीज करना होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज होंगे तो जो भी हमारा फिकल मैटर है वो आगे की तरफ मूव करेगा और बॉल क्लीन हो जाएगी, तो उसके लिए इसको यूज करते हैं।
और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक और है, एक लाइन एक इंपॉर्टेंट है प्रिगेटिव एनिमा में, मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा एनिमा यूज करते हैं, क्वेश्चन यह है मोस्ट कॉमन यूज एनिमा इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो उसका आंसर क्या होगा आपका, प्रिगेटिव एनिमा। प्रिगेटिव एनिमा को क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, तो क्वेश्चन इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी आता है। और यदि कैथेटराइजेशन में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कि कैथेटराइजेशन में कौन से टाइप का कैथेटर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम में लेते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन से टाइप का कैथेटर मोस्टली यूज करते हैं हम, आंसर दीजिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैथेटर यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन से टाइप का कैथेटर मोस्टली यूज करते हैं, तो वो टाइप था फॉलेस कैथेटर या फिर डबल ल्यूमन कैथेटर था। और यदि एनिमा की बात आए तो एनिमा में उसका टाइप होगा प्रिगेटिव एनिमा, जिसको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्टली यूज करते हैं। और प्रिगेटिव एनिमा के अंदर सॉल्यूशन की बात है, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन हम प्रिगेटिव एनिमा में काम में लेते हैं, प्योर ग्लिसरीन या फिर काम में लेंगे, इसको काम में ले जाए 15 से 30 ml या फिर काम में लेंगे ग्लिसरीन प्लस H2O, वो होगा 1:2 के रेशियो में, इसका सॉल्यूशन होगा जिसको हम प्रिगेटिव एनिमा के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसका थर्ड ऑयल एनिमा, थर्ड इसका टाइप क्या है, हाँ जी जो पोलिस कैथेटर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछा था, 4 स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर दिया है फॉलेस कैथेटर या डबल ह्यूमन कैथेटर। बिल्कुल ऐसे स्टडी को कंटिन्यू रखें और जो भी नेक्स्ट क्लासेस हो रही है उनको, जो प्रीवियस क्लासेस है उनसे लिंक करते चले, एग्जाम में काफी क्वेश्चन प्रोसेसर से रिलेटेड आते हैं। आजकल एग्जाम जो है कंप्लीट प्रैक्टिकल बेसिस हो गई, तो इमेज के साथ साथ अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को साथ रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, थ्योरी पढ़नी है। जैसे मैंने आज टॉपिक करवा दिया एनिमा, तो आपका काम क्या होगा, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होता है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनिमा से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से रिलेटेड, कैथेटराइजेशन से रिलेटेड, बोवल एलिमिनेशन से रिलेटेड या फिर एनिमा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके पास जो भी बुक है उससे इन चीज़ों को सोल्व कीजिए, तो आपको क्वेश्चन की क्वालिटीज का पता चल जाए कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट टाइप है ऑयल एनिमा, ऑयल एनिमा को काम में लेते हैं हम, इसको काम में लेते हैं टू सॉप दी फिकल कंटेंट, जो फिकल कंटेंट है उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं, ऑयल एनिमा काम में लेते हैं। नेक्स्ट इसमें सॉल्यूशन की बात आती है, ऑयल एनिमा में कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, सॉरी तो इसमें सॉल्यूशन काम में लेते हैं ओलिव ऑयल, या तो ऑलिव ऑयल लेंगे या फिर कस्टर्ड ऑयल, कस्टर्ड ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल, इन दोनों को मिक्स में काम में लेंगे, या तो ऑलिव ऑयल काम में ले लेंगे या फिर कस्टर्ड ऑयल इसको काम में लेंगे। कस्टर्ड ऑयल काम में लेंगे या ऑलिव ऑयल काम में लेंगे एनिमा में, इसका काम क्या है, सॉफ्ट द फिकल कंटेंट, जो फिकल कंटेंट है उसको क्लीन करने के लिए काम में लेते हैं ऑयल एनिमा। नेक्स्ट टाइप है एनिमा का जो मेडिकेटेड है उसमें एंटी हेलमेंटिक है, एंटी हेलमेंटिक एनिमा जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, इसका मींस क्या है, इसको यूज क्यों करते हैं, टू डिस्ट्रॉय दी इंटेस्टाइनल जो भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए,
हम एंटी हेलमेंथिक एनिमा काम में लेते हैं, इसमें सॉल्यूशन क्या लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पहुंचा हुआ है एग्जाम में, एंटी हेलमेंथिक एनिमा को काम में क्यों लेते हैं, इसका पर्पज क्या है, तो जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के काम से एंटी हेलमेंथिक एनिमा काम में लेते हैं। इसमें लेते हैं 60 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्लस 600 ml H2O हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट करके तैयार करके जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इसको बोलते हैं एंटी हेलमेंथिक एनिमा। ये फोर्थ टाइप हो गया। इसका नेक्स्ट टाइप है जो हम पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट टाइप है कार्मिनेटिव एनिमा। अब कार्मिनेटिव एनिमा का एक अदर नाम और होता है, उसको बोलते हैं एंटी स्पास्मोटिक एनिमा। क्या बोलते हैं, एंटी स्पास्मोटिक एनिमा बोलते हैं इसको। अब कार्बिनेटिव एनिमा या एंटी स्पास्मोटिक एनिमा को काम में लेते हैं टू रिलीफ गैसेस डिस्टेंशन। जो गैसेस डिस्टेंशन है उसको ट्रीट करने के लिए हम कार्बिनेटिव एनिमा काम में लेते हैं। क्वेश्चन एंटी स्पास्मोटिक एनिमा के नाम से भी आ सकता है, इसका यूज हो सकता है, जो भी हमारे गैसेस डिस्टेंशन की प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या लेते हैं, गैसेस डिस्टेंशन को ट्रीट करने के लिए कार्बिनेटिव एनिमा काम में लेते हैं। तो ये मेडिकेटेड इवैक्यूएटेड एनिमा के पांच टाइप थे। हमने फर्स्ट वन पढ़ा था एस्ट्रिंजेंट एनिमा, सेकंड हमने पढ़ा था प्रगेटिव एनिमा, थर्ड हमने पढ़ा था ऑयल एनिमा, फोर्थ वन एंटी हेलमेंथिक एनिमा, लास्ट वन कार्बिनेटिव एनिमा। अब नेक्स्ट टाइप आता है जो मेन टाइप है, थर्ड टाइप इवैक्यूएटेड एनिमा का, उसको बोलते हैं थर्ड टाइप कोल्ड एनिमा। नाम से क्लियर हो रहा है, कोल्ड एनिमा यानी कि जो भी बॉडी का इंक्रीज टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उस चीज को ट्रीट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, कोल्ड एनिमा काम में लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज आइस एनिमा। क्या बोलते हैं इसको, आइस एनिमा भी बोलते हैं। एग्जाम में आइस एनिमा के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट मीन्स क्या है, क्वेश्चन आ रहा है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मींस क्या होता है, जो भी हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे वहां पे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो नॉर्मल ऑस्मोलरिटी होती है उससे इंक्रीज हो जाए, जो नॉर्मल ऑस्मोलरिटी होती है डायसो से 252-375 ये नॉर्मल रेंज होती है, यदि इससे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो नीचे रहती है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, जो डायसो से 375 की रेंज के अंदर होती है उसको आइसोटोनिक, और इसके ऊपर जाता है यदि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस प्रोसीजर के जो पिछला वाला टाइप करवाया था उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन काम में लेते हैं। तो कोल्ड एनिमा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे हम, कोल्ड एनिमा को क्या बोलते हैं, आइस एनिमा भी बोलते हैं। इसमें जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर होता है, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 65-85 degrees Fahrenheit। ये क्वेश्चन आता है कोल्ड एनिमा में हम कितना टेम्परेचर काम में लेते हैं, कितना टेम्परेचर का सॉल्यूशन काम में लेते हैं, वो सॉल्यूशन होता है 65-85 degrees Fahrenheit पे टेम्परेचर होता है, इसको आइस एनिमा भी बोलते हैं। इसका यूज होता है, इसको यूज करते हैं हाइपरपायरेक्सिया। जो हाइपरपायरेक्सिया की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के काम के लिए हमें कोल्ड एनिमा काम में लेते हैं। ये आइस होती है, इसका टेम्परेचर लो होता है, तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कोल्ड एनिमा का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कोल्ड एनिमा का। यहां पर हाँ, जितने भी आपके जो सॉल्यूशन है, NS है, RL है, DNS है, D5 है, जितने भी सॉल्यूशन है उनके लिए आपके एक सेपरेट क्लास होगी, जितने भी सॉल्यूशन है उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन कौन से कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कौन से में इंडिकेटेड है, वो हम सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल वाइज। तो ये कोल्ड एनिमा जो लास्ट टाइप हो गया,
इवैक्यूएटेड एनिमा का हमारा सेकंड जो मेन टाइप है उसके उसके तरफ चलते हैं, रिटेंड एनिमा। रिटेंड एनिमा, रिटेंड एनिमा में पांच टाइप पड़े थे। फर्स्ट है इसमें रिटेंड एनिमा में अनस्थेटिक एनिमा, अनस्थेटिक एनिमा। अनस्थेटिक एनिमा काम में क्यों लेते हैं? टू इंड्यूस अनस्थेटिक इफेक्ट। अनस्थेटिक इफेक्ट के लिए एनेस्थेटिक एनिमा काम में लेते हैं, इसमें सॉल्यूशन होता है काम में लेते हैं एवर्टीन। एवर्टीन होता है 150 से 300 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 150 से 300 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से एवर्टीन काम में लेते हैं एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए। तो अनस्थेटिक इफेक्ट के लिए क्या काम में लेते हैं? एवर्टीन, जो अनस्थेटिक इफेक्ट शो करता है। ये रिटेंट एनिमा का फर्स्ट टाइप हो गया। इसका सेकंड टाइप है न्यूट्रिएंट एनिमा। न्यूट्रिएंट एनिमा, अब न्यूट्रिएंट एनिमा नाम से क्लियर हो रहा है कि न्यूट्रिएंट एनिमा को काम में क्यों लेंगे हम? न्यूट्रिशनल पर्पज या फिर फ्लूड एडमिनिस्टर करने के लिए हम न्यूट्रिएंट एनिमा काम में लेते। तो टू इंट्रोड्यूस फ्यूड या फिर न्यूट्रिएंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम न्यूट्रिएंट एनिमा काम में लेते हैं। इसमें क्या क्या काम ले सकते हैं? एनएस हो गया, आरएल हो गया, डीएनएस हो गया, और क्या हो गया? पेप्टोनाइज्ड मिल्क। ये आर्टिफिशियली तैयार किया हुआ मिल्क होता है उसको बोलते हैं पेप्टोनाइज मिल्क, या फिर डीएनएस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आरएल को कर सकते हैं, एनएस को कर सकते हैं। तो ये केवल फ्लूड एडमिनिस्टर करने के पर्पज से या फिर न्यूट्रिशनल पर्पज के लिए हम न्यूट्रिएंट एनिमा काम में लेते हैं। अब जैसे डीएनएस की बात होगी तो इसमें डेक्सट्रोज होता है, वो हमें न्यूट्रिशनल पर्पज के लिए होगा। पेप्टोनाइज मिल्क है उसमें हमें डेक्सट्रोज होती है तो वो न्यूट्रिशनल पर्पज के लिए होगा। जब एनएस और आरएल की बात आती है तो वो फ्लूड के पर्पज से होगा, उसको फ्लूड के पर्पज से हम एडमिनिस्टर करेंगे न्यूट्रिएंट एनिमा के अंदर। तो इसका सेकंड टाइप हो गया। इसका थर्ड टाइप है स्टिमुलेंट एनिमा। स्टिमुलेंट एनिमा, स्टिमुलेंट एनिमा, ये क्वेश्चन आता है स्टिमुलेंट एनिमा को कौन सी कंडीशन में काम में लेते हैं? आपकी जो पीडिया और फार्मेकोलॉजी है, मैनेजमेंट क्लासेस है, वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट वन है, थर्ड वन स्टिमुलेंट एनिमा। तो स्टिमुलेंट एनिमा को काम में लेते हैं यूज टू ट्रीट ओपियम 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 पॉइजनिंग की कंडीशन में, या फिर यूज इन शॉक एंड कोलेप्स। शॉक और कोलेप्स की कंडीशन या फिर ओपियम पॉइजनिंग की कंडीशन में हम क्या काम में लेते हैं? स्टिमुलेंट एनिमा काम में लेते हैं। अब स्टिमुलेंट एनिमा में सॉल्यूशन की बात आए तो इसमें काम में लेते हैं ब्लैक कॉफी पाउडर प्लस 300 ml H2O काम में लेते हैं। जो स्टिमुलेंट एनिमा होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में स्टिमुलेंट एनिमा में, स्टिमुलेंट एनिमा को हम किस पर्पज के लिए काम में लेते हैं? या तो कोलेप्स के लिए, या फिर शॉक की कंडीशन, या फिर ओपीएम पॉइजनिंग की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कहते हैं? स्टिमुलेंट एनिमा काम में लेते हैं। नेक्स्ट वन है, फर्स्ट वन एनेस्थेटिक एनिमा, सेकंड न्यूट्रिएंट एनिमा, थर्ड वन स्टिमुलेंट एनिमा। नेक्स्ट है सेडेटिव, सेडेटिव एनिमा। सेडेटिव एनिमा यूज करते हैं टू यूज इंड्यूस स्लीप।
स्लिप इंड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं हम सेडेटिव एनिमा। लास्ट वन है इमोलिएंट एनिमा। जो टॉपिक करवाया जाता है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उन टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, उनको अच्छे से डीपली हमको स्टडी करनी है। बाकी टॉपिक के बजाय मैंने बताया था जितने भी एनिमाज होते हैं उनसे केवल क्वेश्चन आते हैं, उनके जो यूज है उनको कौन सी कंडीशन में हम यूज करते हैं वो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है एग्जाम में। उनके डायरेक्ट नाम दे देगा, जैसे सेडेटिव एनिमा दे दिया, उसका यूज क्या है, टू इंड्यूस द स्लीप, ये उसके अंदर ऑप्शन रहेगा, तो उनके यूज से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आता है उनके सॉल्यूशन के बजाय। तो सॉल्यूशन पे ज्यादा कंसंट्रेट करने के बजाय उनका जो जनरल मीनिंग है उसमें कंसंट्रेट कीजिए। अब जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है वो है इमोलेंट एनिमा। इमोलेंट एनिमा रिटेंड एनिमा का टाइप है। इमोलेंट एनिमा को काम में लेते हैं यूज टू स्मूथ एंड सॉफ्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन। जो इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको स्मूथ या सॉफ्ट करने के पर्पज से क्या काम में लेते हैं, उसको सॉफ्ट या स्मूथ करने के काम जो आता है एनिमा उसको इमोलेंट एनिमा बोलते हैं। तो एग्जाम में इमोलेंट एनिमा देखकर क्वेश्चन पूछता है कि इमोलेंट एनिमा का पर्पज क्या है, इसको किस यूज में काम में लेते। बाकी तो जितने भी एनिमाज है वो नाम से क्लियरिफाई हो जाएंगे, आपको याद भी रह जाएगा। जो टॉपिक बोलने वाला है जो आप फॉरगेट कर सकते हो वो हो सकता है एक तो इमोलेंट एनिमा का यूज, एक कार्बिनेटिक या एंटीस्पाज्मोटिक एनिमा, ये दो टाइप है जहां से हम फॉरगेट करने की पॉसिबिलिटी रहते हैं और यहीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इमोलेंट एनिमा का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, जो सिंगल लाइन क्वेश्चन आते हैं वहां पर इमोलेंट एनिमा का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता ही पूछता है यदि एनिमा से क्वेश्चन बनेगा तो। स्मूथ एंड सॉफ्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन, जो इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको सॉफ्ट या स्मूथ करने के लिए इमोलेंट एनिमा काम में लेते हैं। तो एनिमा से रिलेटेड बेसिक डिस्कशन हो गया। लास्ट वन आता है इसका कॉम्प्लिकेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जो एनिमा है वो कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, एक्यूट इंफ्लामेटरी डिजीज ऑफ जीआईटी। जो भी हमारी जीआईटी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहां से रिलेटेड जो भी एक्यूट इंफ्लामेटरी डिजीज है उन कंडीशन में हमें एनिमा को अवॉइड करना है, लाइक अपेंडिसाइटिस। जो अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है उस कंडीशन में हमें एनिमा को अवॉइड करना है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो इसके एनिमा से रिलेटेड हमने बेसिक डिस्कशन देख लिया आज कि एनिमा में कितना फ्लूड काम में लेते हैं, कौन सा पोजीशन देते हैं इसमें, उसके बारे में हम सुपरफिशियल व्यू करते हैं जो आज का क्लास पढ़ा था उसके बारे में। एक्यूट इंफ्लेमेटरी डिजीज अपेंडिसाइटिस उसके अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एनिमा के बारे में स्टार्ट करने से पहले हमने आज की क्लास में स्टडी किया था यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या था, इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन। यूरिन का इनवॉलेंट्री पासेज क्या होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। इसके बाद में हमने इसके टाइप पढ़े थे, टोटल इनकॉन्टिनेंस में क्या था, कंटिन्यूस यूरिन का जो पास आउट होता है उसको बोलते हैं टोटल इनकॉन्टिनेंस। सेकेंड टाइप पढ़ा था हमने स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या था, एबडोमिनल जो एबडोमिनल कैविटी है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे कफिंग के दौरान, जंपिंग के दौरान, स्नेजिंग के दौरान, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लैडर है वहां पे प्रेशर पड़ेगा और यूरिन का जो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसके डायग्नोसिस के लिए, इसके डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट काम में लेते हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डिटेक्टेड बाय, किसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं, बोनी टेस्ट पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन देके पूछ ले कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को किससे डिटेक्ट करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, बोनी टेस्ट। हमने नेक्स्ट पढ़ा था फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, इनवॉलंटरी पासेज ऑफ यूरिन बिफोर रिच टू टॉयलेट, यानी पेशेंट टॉयलेट में पहुंचने से पहले यदि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस।
रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो इनकॉन्टिनेंस क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। लास्ट वन पढ़ा था हमने अर्ज इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रॉन्ग यूरिनरी अर्जेंस स्टार्ट होगी उसके बाद में यदि पेशेंट अपने यूरिन पास आउट पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन स्टार्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। फिर अपने बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी, हिमेचूरिया बोलते हैं यूरिन प्लस ब्लड, यूरिन के अंदर ब्लड आता है उसको बोलते हैं हिमेचूरिया, यदि पस आती है उसको पाइयूरिया, यदि यूरिन के साथ ग्लूकोज आता है शुगर आते हैं उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट हम अपना जो टॉपिक था जो स्टडी कर रहे थे कंटिन्यू वो था एनिमा। एनिमा एक प्रोसेस है जो लोअर बोल के बोल है उसके अंदर फ्लूड इंट्रोड्यूस करके हम जो एनिमा जो भी लोअर इंटेस्टाइन है बोल है उसको क्लीन करते हैं, उस पर्पस के लिए हम एनिमा को काम में लेते हैं। फिर एनिमा के बारे में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एनिमा के बारे में तो वो आता है इवैक्यूटेड एनिमा एंड रिटेंड एनिमा, जो इनके बेसिक वैल्यूज है वहां से क्वेश्चन आते हैं। बोनी टेस्ट क्या होता है, जैसे पेशेंट है बोनी टेस्ट करते हैं किसमें, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन में, जैसे पेशेंट है उसका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करके देखते हैं कि वो अपने जो नॉर्मल यूरिन पास आउट करने की अर्जेंसी है या यूरिन पास आउट करता है स्पिंक्टर है उन पर नॉर्मल कंट्रोल है या नहीं है उसका, उसको बोनी टेस्ट बोलते हैं जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन में करते हैं। जो इवैक्यूटेड एनिमा है, सेकेंड है रिटेंड एनिमा। तो इवैक्यूटेड एनिमा में अलग अलग फर्क आता है, अडल्ट के लिए जो इसका वैल्यू है 500 से 1000 ml है, चाइल्ड के लिए 250 से 500 ml है, यदि इन्फेंट की बात होती है तो लेस देन 250 ml है, यदि रिटेंड एनिमा की बात आती है तो फ्लूड का अमाउंट या वॉल्यूम चेंज हो जाती है, इन्फेंट में लेस देन 50, चाइल्ड में 50 टू 100 ml और अडल्ट में 100 टू 150 ml। एग्जाम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से वॉल्यूम से रिलेटेड आते हैं तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है इसके टेम्परेचर से रिलेटेड, जो अडल्ट होता है उसमें जो एनिमा का जो सॉल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर अडल्ट में 105-110 डिग्री फारेनहाइट पर रखते हैं और जो इन्फेंट और चाइल्ड होते हैं उसमें 100 डिग्री फारेनहाइट पर रखते हैं, और यदि हम रिटेंड एनिमा की बात करते हैं उसको बॉडी टेम्परेचर पर एडमिनिस्टर करते हैं 98.6 डिग्री फारेनहाइट। अब एनिमा की जो ट्यूब है उसकी साइज की बात कर लेते हैं, जो अडल्ट है उसमें 22 से 30 फ्रेंड्स, एग्जाम में 22 और 30 दोनों आता है तो अडल्ट के लिए आपको 22 फ्रेंड्स सेलेक्ट करना है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है अडल्ट के लिए। एनिमा जो ट्यूब होती है स्टैंडर्ड वैल्यू 22 फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा, 22 और 30 दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 22 फ्रेंड्स। यदि चाइल्ड होता है तो उसका 14 से 18 फ्रेंड्स होगा, इन्फेंट होता है तो उसका 12 फ्रेंड्स होगा, और यदि यही वैल्यूज हम रिटर्न एनिमा में फटते हैं तो सेम वैल्यूज हो गया, इन्फेंट 12 फ्रेंड्स, चाइल्ड 14 से 18 फ्रेंड्स, अडल्ट 22 से 30 फ्रेंड्स। तो इसका अच्छे से याद रखना कि आपको जो अडल्ट होता है उसमें 22 फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट वन है जो एनिमा कैन है उसकी हाइट कितनी होती है, उसकी हाइट होती है इंच की बात करें 18 इंच इवैक्यूटेड एनिमा में, और सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर में इसकी वैल्यूज होगी 45 सेंटीमीटर, और रिटेंड एनिमा की बात करें तो 8 इंच या फिर 20 सेंटीमीटर, 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसकी पोजीशन से रिलेटेड, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है जो एनिमा है उसके दौरान जो फर्स्ट प्रायोरिटी और पोजीशन क्या होगी, तो वो पोजीशन होगी सिम्स पोजीशन, और यदि सिम्स और लेफ्ट लेटरल दोनों एग्जाम में आती है, दोनों ऑप्शन में आते हैं क्वेश्चन में तो आपका करेक्ट आंसर सिम्स पोजीशन होगा। यदि ऑप्शन में सिम्स पोजीशन देके ना पूछता हो और यदि ऑप्शन में आपके पास लेफ्ट लेटरल पोजीशन हो तो आपका करेक्ट आंसर लेफ्ट लेटरल पोजीशन होगा, ये इसकी सेकंड प्रायोरिटी थी। इंसर्शन ऑफ एनिमा ट्यूब, जो एनिमा ट्यूब है उसको कितना इंसर्ट करते हैं, उसको अडल्ट में 3-4 इंच या फिर 7.5-10 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं, यदि इन्फेंट और चाइल्ड की बात आती है तो 1-1.5 इंच इंसर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में 2.5-3.75 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं, और यही वैल्यू सब रिटेंड एनिमा के अंदर इंसर्ट करते हैं, ये एनिमा की जो ट्यूब होती है उसकी कितना इंसर्ट करते हैं उसकी वैल्यूज है नॉर्मल एग्जाम में पूछता है। फिर हमने जो बेसिक टॉपिक थे इंसर्शन से रिलेटेड, हम कौन सी चीज़ को कितना इंसर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड हमने रेक्टल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, जो अडल्ट पेशेंट होता है उसमें 1.5 इंच इंसर्ट करते हैं, चाइल्ड होता है उसमें हम थर्मामीटर को 1 इंच इंसर्ट करते हैं, जो इन्फेंट होता है उसमें लेस देन 1 इंच इंसर्ट करते हैं,
यदि फ्लैटेस्ट ट्यूब की बात आती है, गैसेस डिस्टेंशन को रिड्यूस करने के पर्पज से फ्लैटेस्ट ट्यूब रेक्टम के थ्रू लोअर बॉल में इंट्रोड्यूस की जाती है जो गैसेस प्रॉब्लम है उसको रिलीफ पाने के लिए। तो जो इंसर्शन है वो 4 to 6 inch होता है और इसका ड्यूरेशन होता है लेस देन 20 मिनट। उसका कारण क्या था, जो भी स्प्रिंटर है वो लूज ना हो जाए, उनकी जो नॉर्मल स्ट्रेंथ है उससे प्रिवेंट करने के लिए, उसको नॉर्मल मेंटेन करने के लिए इसको 20 मिनट से कम तक रखना है। नेक्स्ट पढ़े थे हम टाइप्स, फर्स्ट वन था इवैक्यूएटेड एनिमा, सेकंड था रिटेंड एनिमा। इवैक्यूएटेड एनिमा के 3 टाइप थे, फर्स्ट वन हमने पढ़ा था सिंपल इवैक्यूएटेड एनिमा, सेकंड था मेडिकेटेड इवैक्यूएटेड एनिमा। मेडिकेटेड इवैक्यूएटेड एनिमा में हमने 5 टाइप पढ़े थे, एस्ट्रिंजेंट एनिमा, पर्गेटिव एनिमा, ऑयल एनिमा, एंटी हेलमेंथिक एनिमा, और लास्ट वन था कार्मिनेटिव या एंटी स्पाज्मोटिक एनिमा। और इसमें इवैक्यूएटेड एनिमा में थर्ड मेन टाइप था कोल्ड एनिमा। और रिटेंड एनिमा में हमने पढ़ा था एनेस्थेटिक एनिमा, स्टिमुलेंट एनिमा, सेडेटिव एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा, और लास्ट था इमोलिएंट एनिमा। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड आते हैं। तो सिंपल एनिमा में क्या काम में लेते हैं, जो बॉवल होती है उसको क्लीन करने के पर्पज से काम में लेते हैं सिंपल इवैक्यूएटेड एनिमा, या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए सिंपल इवैक्यूएटेड एनिमा काम में लेते हैं। और जो मेडिकल पर्पज के लिए काम में लेते हैं, उसके लिए कोई डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, किसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, वो मेडिकेटेड इवैक्यूएटेड एनिमाज होते हैं। उनमें फर्स्ट पढ़ा था हमने एस्ट्रिंजेंट एनिमा, जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए एस्ट्रिंजेंट एनिमा काम में लेते हैं। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था पर्गेटिव एनिमा, इंटेस्टाइनल पेरिस्टाइसिस जो मूवमेंट होते हैं उनको इंक्रीज करने के पर्पज से हमने पर्गेटिव एनिमा पढ़ा था। नेक्स्ट वन पढ़ा था हमने ऑयल एनिमा, ऑयल एनिमा क्या होता है, जो फेकल कंटेंट है उनको स्मूथ बनाने के लिए ऑयल एनिमा पढ़ा था हमने, इसका बेसिक यूज है। एंटी हेलमेंथिक एनिमा, टू डिस्ट्रॉय द इंटेस्टाइनल पैरासाइट एंड वॉर्म्स, सॉरी जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट और वॉर्म्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से एंटी हेलमेंथिक एनिमास काम में लेते हैं। लास्ट वन हमने पढ़ा था कार्मिनेटिव या इमोलेंट एनिमा, सॉरी कार्मिनेटिव या एंटी स्पाज्मोटिक एनिमा, ये काम में लेते हैं गैसेस डिस्टेंशन की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। तो एग्जाम में कार्बिनेटिव या फिर एंटी स्पाज्मोटिक किसी भी नाम से पूछ सकता है ये चीज। लास्ट वन पढ़ा था हमने कोल्ड एनिमा, कोल्ड एनिमा को हम आइस एनिमाज भी बोलते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है सॉल्यूशन को वो 65 to 85 degrees फारेनहाइट में होता है, और जो इसको हाइपरपायरेक्सिया यानी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए उस चीज को ट्रीट करने के लिए हम कोल्ड एनिमाज काम में लेते हैं। और इसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में अचानक से बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाए तो उस कंडीशन में हाइपरपायरेक्सिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, सॉरी हाइपोथर्मिया की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया कोल्ड एनिमा का। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था रिटेंड एनिमा, रिटेंड एनिमा में फर्स्ट पढ़ा था एनेस्थेटिक एनिमा, एनेस्थेटिक एनिमा एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, सेकेंड न्यूट्रेंट एनिमा, न्यूट्रिशनल पर्पज के लिए या फ्लूड एडमिनिस्टर करने के पर्पज से हमने न्यूट्रिशनल एनिमा पढ़ा था। नेक्स्ट वन पढ़ा था सेडेटिव एनिमा, सेडेटिव एनिमास के अंदर क्या पढ़ा था हमने, जो शॉक या कोलेप्स की कंडीशन या ओपियम पॉइजनिंग की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए स्टिमुलेंट एनिमा, सॉरी उससे नेक्स्ट हमने पढ़ा था इमोलेंट एनिमा। इमोलेंट एनिमा में क्या पढ़ा था, जो इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको स्मूथ या सॉफ्ट करने के पर्पज से इमोलेंट एनिमास काम में लेते। उसके लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, इमोलेंट एनिमा हो गया था, लास्ट वन हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वन पढ़ा था हमने न्यूट्रिएंट एनिमा हो गया था, एनेस्थेटिक एनिमा, सेडेटिव एनिमा यानी कि स्लीप को इंड्यूस करने के लिए सेडेटिव एनिमास काम में लेते। तो यह अपना जो टॉपिक है एनिमास यहाँ कंप्लीट करते हैं। जो बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की एलिमिनेशन से रिलेटेड, बाउल एलिमिनेशन में हमें एनिमा पढ़ा, एनिमा से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और जो हमने पहले पढ़ा था यूरिनरी एलिमिनेशन, उसके बारे में हमने कैथेटराइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट प्रोसीजर के साथ होगी। आपके जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट कर दिया करो, उनके आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। और जो भी जो क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ पे, जो भी प्रोसीजर होता है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन डिस्कस किया करो, उनके क्वेश्चन डिस्कस किया करो, उनमें जो क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आती है उनको आप क्वेश्चन पुटअप किया करो। आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी ये प्रोसीजर आपको क्लियरिफाई होंगे। उनके इमेज वगैरह देखा करो, और इमेज काफ़ी आपको यहाँ पे दिखा दी जाती है एग्जाम में, इमेज बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। और जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए टेस्ट सीरीज पे जाके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।